रामपुर में 21 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए भाजपा ने मतदाता जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सांसद जयाप्रदा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इस दौरान उन्होंने क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। राहत मिली है, आपको नोटिस मिला है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि मैं अदालत को मैं सम्मान करती हूँ, आदेश को हम पूरी तरह सम्मान करते हैं, लेकिन बात यह है कि क्रिश्चियनी आईडी खम्बा नोचा इस तरह बार बार मैं चिंता हूँ, इसीलिए जयप्रदा मेरे ऊपर हमला करवा रही है, मेरे ऊपर अदालत में मेरे नाम लेके केस करवा रही है, इस तरह का बोलना सही नहीं है। अगर मैं वाकई उस तरह की ताकतवर हूँ तो चुनाव में मैं ही जीत जाती। और प्रशासन के ऊपर बार बार उन्होंने शिकायत करते हैं कि डीएम और एसपी साहब के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अगर उनका अपना काम किया है और चुनाव में अगर वो न्याय नहीं करना चाहते हैं तो जयप्रदा जीत जाती है ना। तो इस बात पर बार बार मेरे नाम लेके उनको मेरे को टारगेट कर रहे हैं, आजम साहब के लिए ऐसा ही है क्या? क्या वो चुनाव जीतने के लिए जयप्रदा का नाम लेते हैं? ये मैंने बोला ना भाई, क्रिश्चियनी बिल्डिंग कमान होने के लिए बार बार राजबाला और सभी यहाँ उपस्थित सभी को और मतदाता जागरूकता इस बाइक रैली में आज आने वाले चुनाव का बिगुल बजाते हुए हमारे सारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यूथ युवा इसमें बहुत जोश खरोश के साथ इस रैली को ले जा रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ कि जिस तरह आप पिछले चुनाव में आपने अपना भूमिका निभाया, 15-17 दिन के अंदर अंदर लोगों को घर से बुला बुला कर आपने वोट दिलाया, हम गर्व के साथ कहना चाहते हैं चुनाव में हार जीत होता रहता है, लेकिन आपने जितना मुझे वोट दिया है, 4,52,000 वोट आप लोगों ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ये साधारण मामूली बात नहीं है, ये गर्व की बात है। हमारे ज़िला रामपुर में हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी को कितना चाहते हैं और आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को कितना चाहते हैं, ये आप लोगों ने इस चुनाव में आपने बता दिया। मैं हार को मानने वाली नहीं हूँ। जिस तरह हमें महिलाओं को अपमान किया, किसानों को नुकसान कराया, उनके ज़मीनों को कब्जा किया है, इस पर हमारी लड़ाई जारी है। भले ही मुझे यहाँ पे अगर मुझे मरना भी हो, मैं इस ज़िले के लिए मैं अपना जान देने के लिए तैयार हूँ। तो आज आप सबको मैं अपील करती हूँ, हमारे भविष्य को सोचते हुए मतदाताओं को बुलाना है, उनको जागरूकता देना है, जागरूक करना है, तो आज मैं आपसे अपील करती हूँ, इस रैली ये शुभारंभ हमें अंत तक ले जाएगा और विजय प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। सरकार के तीन तलाक बिल पास होने के बाद मुरादाबाद में ये पहला मामला है जिसमें तीन तलाक पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीड़िता अफसाना का कहना है कि उसकी शादी तौफीक नाम के शख्स से लगभग 5 साल पहले हुई थी। उसके शोहर द्वारा लगातार शादी के बाद से दहेज की मांग की जाती रही। मांग पूरी ना होने पर पीड़िता को तलाक दे दिया गया और अब पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? अफसाना। कहाँ के निवासी हैं आप? कहाँ पर शादी हुई है आपकी? गतोरा। गतोरा। क्या मामला है सर आपका? क्या मामला है आपका?
शोहर ही बहुत परेशान करता, बस वही मारकूट, बहुत बुरा सलूक करता है मेरे साथ में। जो मेरे पास बेटी है 8 महीने की, वो भी कहता है कि मेरी नहीं है, अभी छू के भी तलक नहीं देखा उसे। और क्या क्या सलूक किया आपके साथ में? पैसे मांगना या? हाँ, पैसे की मांग करता और कि ये लेका वो लेका, पैसे भी बहुत दे दिए मैके वालों ने, गरीबी हालत है, अब क्या करूँ मैं इसके आगे। तलाक कैसे दिया था? तलाक मैके वालों के सामने दे दिया था हमने 3 बार, मैंने तुझे तलाक दिया 3 बार। इससे पहले कोई पंचायत वगैरह कुछ? पंचायत भी बहुत हुई, फिर महिला थाने से भी, चौकी से भी, और गांव में भी बहुत पंचायत हुई, उनके बावजूद भी कुछ ना हो पाया। लास्ट में भी उनने मुझे बेदखल कर दिया अपनी ज़िंदगी से। क्या नाम है उनका? तौफीक। कहाँ के निवासी हैं वो? गतौरी। आपका मैका कहाँ का? खरबपुर, जगतपुर। अब क्या मुकदमा हुआ है आगे? आगे मुकदमा मैंने दर्ज कराया, मतलब उन्हें जेल करा दी। जेल होगी उनको? हाँ। अच्छा, कुछ संदेश देना चाहते हो आप आगे किसी के साथ में ऐसा हो तो? किसी के भी साथ में ऐसा कोई भी करने की कोशिश ना करे, उसके साथ में ये होना चाहिए ना? हाँ, बहुत बुरा असर होना चाहिए उसके साथ में। कितने महीने की बेटी है आपकी? 8 महीने। क्या नाम बेटी का? करके 3 तलाक के मामले को गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला है? ये मुंडापांडे थाने में गतौरा गांव है, वहाँ का मामला है। तो उसमें जो वादिनी है, उन्होंने अपने पति के खिलाफ ये कंप्लेंट दी थी कि वो उसका दहेज की डिमांड, जिसमें 1 लाख रुपये और भैंस की डिमांड हो रही थी, उसके बेसिस पे उनका उत्पीड़न करते थे, उसको मारते पीटते थे। और उसमें एक शिकायत ये भी आई है कि उनको उनके ससुरालियों के सामने पति ने उनको 3 तलाक का भी मामला है, जिसमें मुकदमा दर्ज करके उसको न्यायिक हिरासत में भेजा है। कौन युवक था सर? ये युवक है, इनका नाम तौफीक है। कहाँ का निवासी? ये गतौरा गांव का रहने। सर, NI का जो मामला है, NI जो है एक न्यूज एजेंसी है, जैसे कि ये मेरा खबर अभी तक नेशनल चैनल है, ये टीवी एंकर से नाम है सर मेरा। क्या मामला आपके सिस्टर के साथ? सिस्टर का हमारे ये मामला है कि सर बस मार तोड़ करता है और परेशान करता है, दहेज की मांग करता है, और उसकी कुछ हमने थोड़ा जो हमारे कब्जे लायक था शादी के बाद में, उसे हमने दिया जब हमारी बहन को अच्छा गया, इसकी ज़िंदगी संभल जाए, सही सुध रहती रहे, फिर भी इसे मार तोड़ करता था कई बार। एक बार हमने चौकी में मुकदमा कायम करा। कौन से गाँव में शादी हुई है उसकी? गतौरे में सर। इससे पहले कोई मुकदमा कराया था आपने? हाँ, इससे पहले हमने एक बार मुरादा में 7-6 महीने मुकदमा चल चुका है, वहाँ से भी समझौता करा के हमने उसे भेज दिया। अच्छा, अब क्या हुआ, अब क्या कराया आपने? अभी हमने थाने में एप्लीकेशन दी थी 19 तारीख को, तो फिर थाना अध्यक्ष ने हमें बुलाया 24 तारीख में फिर हमने उसके ऊपर 3 तलाक उसने दिया हमारी बहन को हमारी मौजूदगी में, तो उसके ऊपर कार्रवाई करी है सर, वो इस टाइम जेल में। अच्छा, आगे ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या किसी की बहन बेटी के साथ नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी दुख बड़ी कहानी है, किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होनी चाहिए, फिर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा करने वाले सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो गवर्नमेंट ने मुहिम चलाई है, जो हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने मुहिम बनाई है, और जो सदन में प्रस्ताव पास करा है इस चीज़ का, क्या उस तलाक देने वाले को सजा होनी चाहिए, वो सजा वो सब होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। बच्चा है उन पर? हाँ, 8 महीने की बेटी है, नूर अफसा नाम है उसका। कितने साल हो गए शादी को? शादी को 5 महीने 2014 को उसकी 18 जून को बरात आई थी, 5 साल कुछ दिन हो गए। क्या नाम है उनका? तौफीक। स्वामी चिन्मयानंद पर दुराचार का आरोप लगाने वाली छात्रा के घर पर सुभाषिनी अली और वृंदा करात शाहजहाँपुर पहुंची। दोनों महिलाएं छात्रा के परिवार से मिली और पूरे मामले का सच जाना। इससे पहले बीते बुधवार को पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली विधि छात्रा की गिरफ्तारी के बाद अदालत में जमानत अर्जी खारिज हो गई है। आज हम लोग आए हैं शाहजहाँपुर में, हमने जेल जाकर परिवार के साथ, हम उस, मैं तो कहूंगी उनको रेप सर्वाइवर, जो रेप सर्वाइवर है, जो पीड़िता है, उनसे जेल में हम मिले। उसके बाद हम लोग सब SIT के पदाधिकारियों से मिले, और तीसरी बात है हमने लड़की की पक्ष की तमाम वकीलों से भी मिले। मैं ये साफ कहना चाहती हूँ कि इस पूरे केस में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है आरोपी को बचाने के लिए। हम बिल्कुल तय में गए हैं, हम सारी विवरण हमारे पास है,
और बगैर किसी हिचकिचाहट की हम ये कहना चाहते हैं कि शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की प्रशासन और जितने भी यहाँ एजेंसीज है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में आरोपी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ कानून बोलकर कोई चीज नहीं, यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये कभी नहीं हो सकता है कि लड़की की कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज न हो। लड़की की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गए थे जो वकील, सुप्रीम कोर्ट में गए वो लड़की के बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए। आज वही सुप्रीम कोर्ट की उस आदेश बहाना बन रहा है इनके लिए कि इसलिए हमने एफआईआर दर्ज नहीं की लड़की की। आप बताइए कौन सी दुख है, लड़की रेप के बारे में शिकायत कर रही है और इन्होंने उसको पूरा तोड़ मरोड़ करके केवल और केवल आरोपी को बचाने के लिए इन्होंने ऐसे काम किया है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश भर में जो आंकड़े हैं बलात्कार के, जिस आंकड़ों के पीछे वीआईपी लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में या तो सहारा है या डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट है, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण उसमें पिछले एक साल में दो ऐसे घटनाएं उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं